वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान की टीम जीत गई है इंडिया से। एंड सबसे बड़ी बात यह कि 10 विकेट बचा के ले गई है, मतलब एक विकेट भी नहीं गया। बहुत ज़्यादा जश्न का माहौल होगा वहाँ पर। फिलहाल मैं एक वीडियो पर रिएक्ट कर रहा हूँ, पाक वर्सेस इंडिया, ये क्या कर दिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप वाला। सीबी अर्सलान का वीडियो है लेटेस्ट, आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत रोस्ट भी कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, जो होना था वो तो हो गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नहीं मतलब बंदा जो है वो थोड़ा सा सांस तो लेने देते ना यार। ये क्या बात हुई कि आपने मछली को कुंडी से पकड़ा हुआ है और उसको ना एक छोटी सी नाली के अंदर रखा हुआ है, ना उसको बाहर निकाल के मार रहे हैं ना उसको अंदर रहने में कोई फायदा है। वो खुद कह रही कि मुझे बाहर निकाल दो, मार दो। इतना इतना बुरा मारता है कोई यार। वो था ना वो जो मोटू किस्म का स्काउट था, उससे इंस्पिरेशन ले लिया कि बस धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। पाकिस्तानी टीम ने तो धो के रख दिया इनको। ये आफरीदी नाम ही जो है ना वो ही बहुत भारी है इनके ऊपर। पहले सुसर जी थे, अब दामाद जो है वो भी आके यही हरकतें कर रहे हैं इनके साथ। क्या एक जबरदस्त इनकी सेलिब्रेशन हुई, पूरी की पूरी आवाम जो है वो बाहर निकले सड़कों के ऊपर, पता नहीं पटाखे बजा रहे हैं क्या कुछ बजा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जो सबसे बेहतरीन किस्म की सेलिब्रेशन होती है ना वो होती है जो खामोशी से की जाए, जैसे कि ये पाकिस्तान वन इट एंड मिडल फिंगर फॉर यू पीपल, वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर अनप्रेडिक्टेबल, डोंट अंडरएस्टिमेट अस। कभी कभी होता है ना कि आप बहुत जज्बात की रूम में बह तो जाते हैं लेकिन साथ ही वाले कमरे के अंदर अम्मा अब्बा भी सो रहे होते हैं, तो आप जो है ज्यादा जज्बात निकाल भी नहीं सकते हैं। तड़ी उसने फुल दी हुई लेकिन डरता वो अपने अब्बे से भी है, इसीलिए इसने थोड़ी ना खामोशी के साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन सेलिब्रेशन लाजमी। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था कि इन्होंने अपने जो इंडियन चैनल है ना उनके ऊपर इस किस्म की फिल्में लगाना शुरू कर दी थी, गदर वगैरह दिखा रहे थे, क्योंकि बॉलीवुड में तो ये सब कुछ और होता है, बस ये मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ये मेरा 6.5 किलो का हाथ है, इस किस्म की हरकतें हो रही थी। उसके साथ साथ स्टेडियम के अंदर उन्होंने अक्षय कुमार साहब को बिठाया था। मैं तो कहता 120 के ऊपर हमारा कोई भी आउट नहीं था, तो अक्षय कुमार को बुला लेना चाहिए था कि भाई तू ग्राउंड के अंदर उसको बॉल दे दे, क्योंकि इसी किस्म के जो मौके होते हैं ना इसके ऊपर इनके बॉलीवुड के सुपरस्टार आते हैं जो कि कोई 6 बॉलों के ऊपर 8 विकेटें ले लेते हैं। ये अक्षय कुमार को अगर दे देते ना बॉल, उसको मौका दे देते तो उसने मुंह दूसरी तरफ करा के ना पीछे बॉलिंग करा करा के आउट कर देना था हम सबको। वैसे आपस की बात है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि फाइनल के अंदर फिर जो है ना हमारा दोबारा से टाकरा हो जाए, तो ज्यादा शोधा भी नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि ये पिछले बार चैंपियंस ट्रॉफी में इसी किस्म की कोई हरकत की थी इन्होंने। वो कहते रहते हैं कि जी हम टीवी तोड़ देते हैं टीवी तोड़ देते हैं। यार एक तो पता क्या बात, सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में ना ये लोग बेचारे बहुत ही कमजोर हैं यार। एक जोक बस मिल जाए ना उसको पेलते रहते हैं पेलते रहते पेलते रहते। पिछले को मेरे ख्याल में 700 सालों से जो है वो मौका मौका का जो एक जोक इनको मिला हुआ है वो रगड़ रहे हैं। उसके बाद जो टीवी तोड़ने वाला है, पता नहीं कौन से जमाने के अंदर किस बंदे ने कोई टीवी तोड़ दिया था जो हर वक्त जो है टीवी टूटेंगे। भाई बात सुनो, हम लोग ना हम बेशक अमीर मुल्क नहीं है, मुल्क गरीब है लेकिन यहाँ के लोग बहुत अमीर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टीवी नहीं तोड़ देते। हम तो इतने स्टाइल में होते हैं, हमारे टीवी के ऊपर एक चैनल आ रहा होता है हमें पसंद नहीं आ रहा था तो हम रिमोट पकड़ के चैनल नहीं चेंज करते, हम टीवी भी तोड़ देते हैं, दूसरा टीवी रख देते हैं, उसके बाद दूसरा टीवी आ रहा होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है दोस्तों। खैर अब टीवी तोड़ने की बात हो गई है तो बस देखो यार ऐसे किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं यार, अब उधर टीवी टूटेंगे। औरतों ने खाना छोड़ के सबको हमारे टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, अरे हम तो डिस्टर्ब हो गए। अरे हमारे बाबा विराट कोहली, विराट कोहली, राहुल शर्मा। भाई यहाँ पर कोई टीवी नहीं टूटते हैं, पता नहीं आपको किसने बता दिया, कौन से चैनल पर नाम गोस्वामी है कि किसने उसने इस किस्म की बातें करती। यहाँ पर किया जाता है टीवी के साथ रोमांस। ये एक और वीडियो है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वक्त और हालात कैसे बदलते हैं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5 रन, 5 और मारो शॉट और मारो थ्रो, चेहरा उतर गया, रंग उड़ गए। ए मैच के मुजरिम होंगे शाहीन शाह अफरीदी, आखिरी में इनको पकड़ेंगे, इसका तुमने अगर वो पंजा नहीं दिया होता हम मैच जीत गए होते। Few moments later. ये है बाबर आजम एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक खा गए, फिर एक चौका खा गए, ऐसे तो जीतेगा। मुझे रह के हमारे जो बेचारे टीवी होस्ट है ना उनके पता है सारे बेचारे यार, मेरा ख्याल में जब से उन्होंने नौकरियां संभाली है ना कभी इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितने आज इनको मिल गई है। यहाँ पे चेक करेंगे, कूल हैं इन्होंने, सीट के ऊपर चिपकाए हुए हैं, तहजीब का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन खूब नाचे मेरे दोस्त।
खुदा की कसम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं मतलब बंदा जो है ना वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होता इस किस्म की वेन के लिए। हमें तो आदत है कि यार चलो देखो अगर जीतना भी होना तो हम हिचकियां ले लेके जीत जाते हैं। ये होता है कि जा रहे होते हैं और अचानक जो है कोई पैनिक होकर रन आउट हो जाएगा, कैच हो जाएगा, इस किस्म की चीज़ें हो जाएंगी, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, इस किस्म की बातें हम कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वन साइडेड अफेयर कर दिया, हमें पता ही नहीं कि हम रिएक्ट किस तरह करें, हमें आदत ही नहीं इस किस्म की जीत के बाद रिएक्शन देने की। भाई पाकिस्तानी टीम थी या किसी गोरी की प्रेत आत्मा जो है वो इनमें बस गई थी। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ जो वो न्यूजीलैंड वाले और इंग्लैंड वाले यहाँ पे नहीं आए थे ना, उनकी वजह से गए थे हम तप। हमने वैसे डोमेस्टिक में खेला है उसके अंदर हमें वैसे ही पता चल गया कि कौन बंदा फॉर्म है कौन बंदा फॉर्म नहीं है। जहाँ हमारे को मर मर के 11 बंदों ने खेलना था उनमें से भी 3 बंदों ने कोई परफॉर्म करना था, बाकी तो बैटिंग नहीं आती है, कुछ हो जाता है, हम स्कोर इतना देते हैं कि अगली टीम जो है वो पूरी की पूरी हमें 3 ओवर में वो खत्म कर देती है। तो अच्छा हुआ कि वो लोग नहीं आए और हमारे पास पूरा मौका हो गया कि हम लोगों ने खूब छांटी करके अपने प्लेयर्स को खूब प्रैक्टिस करा दी यहाँ पर और सारा का सारा गुस्सा जो है ना वो बेचारे मासूम इंडिया पर निकाल दिया। इंडिया वालों अगर तुम लोग इससे तो प्रॉब्लम हो रही है तुम जाके न्यूजीलैंड वालों को पकड़ो। मैं कहता हूँ कोई ओपनिंग स्पेल करा दिया शाहीन शाह आफरीदी ने। वो शर्मा जो है ना वो कार करता था कि जब एक दफा पहले उन्होंने बैटिंग कर दी थी तो किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि भाई आप जो है वो हमारे बैट्समैन को एज अ कोहली क्या टिप देंगे, तो बड़े स्टाइल से उन्होंने कहा था गेम में उनका कोच बनूंगा तो तब भी बताऊंगा, वैसे भी क्यों बताऊं, अब तुझे पता चल गया कि क्या कैसे करते हैं बैटिंग। इस जमाने के अंदर तो वैसे भी कोई इक्का दुक्का फास्ट बॉलर आते हैं जिसके सामने आप लोगों की इस तरह हवा निकली हुई होती है, वरना सभी बड़े शेर बने फिर रहे हैं आजकल। तो सुना कि इमी भाई ने भी हमारा मैच जो है बड़े शौक से देखा था यार, वो इंटरनेट के ऊपर एक जोक चल रहा था कि यार पूरी कॉम जो है वो जश्न मनाने में बिजी है तो पूरा पेट्रोल भी 200 का कर दिया जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बाकी बात भी यही है 200 का कर दो पेट्रोल, हमने तो वैसे ही 500 का बनाना है। सालों साल हम सिर्फ इसी चीज की मिन्नतें करते रहे कि यार हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ा लड़ के हार जाओ यार, और इस दफा जो है वो अगलों को लड़ने का मौका नहीं दिया तुम लोगों ने यार। बिल्कुल यही होता था हमारे साथ कि हम लोग पैनिक करते थे बुरी हालत में तो उसके बाद एक जबरदस्त किस्म की फाइट करते थे, जबरदस्त एक डिफेंडेबल टोटल दिया करते थे कि यार बस अब हम वापस गेम के अंदर आ चुके हैं। और फिर जब उनकी इनिंग शुरू होती तो लगता था कि पिच ही बदल गई, बिल्कुल वन साइडेड मैच उधर खत्म हो रहा था। एक्जैक्टली वही सीन हुआ है अभी इधर। वैसे इंडिया से गुजारिश है कि यार कम से कम इतना एक टारगेट तो दे दो ना कि किसी एक बंदे की सेंचुरी हो जाए। अभी देखो आप लोगों को जो है वो कभी बाबर कुछ लगा ही नहीं है कि बाबर तो ऐसी है बाबर तो वैसी है, बाबर छोटी टीमों के ऊपर कर रहा होता है, उसने दुनिया की हर बड़ी टीम को उन्हीं की होम कंडीशन में सेंचुरी मार दी, पता नहीं और उसने क्या करना है। अच्छा है इसी मौके पे आप लोगों ने देख लिया, अगर थोड़ा सा टारगेट दिया होता ना तो इसकी सेंचुरी भी आप लोग देख लेते एक और T20 के अंदर। मुखोली साहब जो है मैच शुरू होने से पहले बहुत जबरदस्त उनकी मार्केटिंग स्टंट कर रहे थे कि मैं तो किसी किस्म का कोई नर्वस ही नहीं हूं। अब आपको पता चल गया मैच शुरू हुआ नहीं है कि तीसरी बॉल से लेके आखिरी बॉल तक आप ही सिर्फ नर्वस रहे मेरे भाई। खैर मैं क्या कहूं यार, ये सुपर रिस्क जो है मेरा, मैं ये जो उसने कैच पकड़ा है ना पीछे वो तकरीबन 3-1 सेकंड हवा के अंदर यू स्टिल खड़ा रहा है और उसके बाद जो उसने बैटिंग के अंदर आके किया यार। और सबसे बड़ी बात मैं हर दफा यही कहता हूं कि ये आपको प्रीच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने रिलीजन की, आप इस मुकाम के ऊपर पहुंचेंगे पूरी दुनिया आपको देख रही है और फिर आप कोई ऐसी इस्लाम की प्रैक्टिस करें जो कि रूटीन प्रैक्टिस होती है आपका मैसेज चला जाता है। बॉय ने ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर जो नमाज पढ़ ली ना बस गेम ओवर, इधर ही गेम खत्म हो चुकी है। जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता हो ना और अल्लाह से डरता हो उसको किसी इंसान से कोई डर खौफ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाबर और रिजवान को ना बीच के अंदर ही रिटायर्ड हर्ट जाना चाहिए ताकि आसिफ रिमाद वगैरह को बीच में डाल देते कि उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती। खैर हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे गुजारिश है कि यार इनको सेलिब्रिटी बना दो। इस मुल्क के अंदर तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही सेलिब्रिटी होते हैं या पॉलिटिशियन के इंटरव्यू करने वाले सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बाकी तो कोई सेलिब्रिटी हमने बनाना नहीं है। किसी को हर किसी को लान तान और गालियां दे दी, इनको थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दो, पैसे दो, इनका थोड़ा मेकअप शेकअप करो, खूबसूरत करो, स्टाइलिंग करो, यहाँ पे जरा पिक्चर देख लें दोनों की, इसके अंदर कोहली को जरा देखें और हमारे इसको बंदे को देखें। अच्छा खासा गुड लुकिंग आदमी है लेकिन आंखों के नीचे हल्के चेक करें, कोई मेकअप नाम की कोई चीज नहीं, हल्का फुल्का कोई टचअप हो जाता है और कुछ नहीं, तो कोई पोलीवुरी नीचे लगा दो, कोई लाइटिंग थोड़ी बेहतर कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि यहीं पर ना किसी बट स्टूडियो से पिक्चर्स खिंचवा के उन्होंने वहां पर भिजवा दी है। अगर बट स्टूडियो से नहीं भी खिंचवाई तो ICC अगर कर रहा है तो उनको थोड़ी तमीज करनी चाहिए कि यार किस किस्म की तस्वीरें। ऊपर से आप हमारी किट की जरा फिट देख लें, ये एथलीट्स हैं इनके यहाँ से बाजू जो है वो खुले हुए हैं, पता नहीं क्या जिस तरह सर घुसाए हैं इन्होंने बाजू के अंदर से, यार कुछ खुदा का खौफ करो। तुम्हारे सामने किट है इंडिया की, इन्हीं से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेने, पता नहीं PCB की 1973 की मेंटेलिटी थी वो कब खत्म हो। ये आपका एक ब्रांड है, आपको वो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग होने चाहिए जो ये सब चीजें कर रहे हैं, जो थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, ये आजकल हर जगह पे हो रहा होता है, हर छोटे बड़े इदारे के अंदर हो रहा होता है। किसी भी एक PR एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें जिसका काम ही सिर्फ इनकी पैकेजिंग करना हो, कम से कम किट शिट और कम से कम और कुछ नहीं तो फिट ही ठीक हो, और कुछ नहीं तो इनकी बीवियों को ही बता दें वो इनकी फिटिंग कर देंगी थोड़ी बहुत कपड़ों की। मेरे शेख ने लाल हवेली में क्या कुछ सेलिब्रेशन की पिंडी के अंदर, देखो उसकी शादी की तो कभी सेलिब्रेशन हो नहीं सकी तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर सारी कसर पूरी कर। खैर ये कोई सेल्फी ऑफ द डेकेड ले रही है मेरे दोस्तों ने, आया आया है। अभी भी अगर आप देखें ना तो सारा का सारा जो बोझ है ना वो मेरे दोस्त सरफराज के कमजोर कंधों के ऊपर ही है, उसने उठाया हुआ पूरी टीम को, लेकिन वो चुप करके नीचे बैठा हुआ है। तुम लोगों को नहीं पता असल जो रीजन है इस जीत का वो यही आदमी है, मेरा आसिफ भी इधर ही खड़ा हुआ। आप देखो ये इसी बंदे की बरकतें हैं जिसकी वजह से हम मैच जीते। ग्राउंड के अंदर भी ट्रोलिंग शुरू कर दी है तुम लोगों ने, ये कोई इंडियंस बेचारे थे जो कि मासूम जा रहे थे और तुम लोगों ने उनके ऊपर इस किस्म के गाने गाए हैं। बंदा चीख रहा है उसका गला फटा हुआ है, लेकिन एक बात है कि उसने सुर जो है ना वो बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं दिया, पूरे राग लगाए बॉय ने। खुशी तो होती है ना, तो वो फिर घर वालों को ही होती है। बाबर आजम के फादर का रिएक्शन चेक करें जरा। ओ हो बाबर आजम के फादर हैं,
मेरा गेलू भी आया हुआ था तैयार होकर, आधा इंडियन और आधा पाकिस्तानी बना हुआ था, बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। खैर मैच शुरू होने से पहले बड़ी जबरदस्त की एक प्रैक्टिस भी की हमारी दोनों टीम्स ने, कि उन्होंने एक नी के ऊपर बैठे और पाकिस्तान ने अपने दिल के ऊपर हाथ रख लिया। ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो इनिशिएटिव है ना, उसके ऊपर इन्होंने हरकत की है। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर सबसे बड़ा जो बिजनेस चल रहा है ना, वो भी रंग गोरा करने की क्रीमों का ही चल रहा है, क्योंकि हर किसी ने गोरा होना यहाँ पर तो ये समझा था कि गोरा आदमी तो दिल का भी बड़ा अच्छा होगा, जो काला आदमी है वो ऐसी गंदा है, बिलन है ये, बिलन है इसको परे करो, ये बंदा ने ना मुझे शक्ल नहीं महसूस लग रहा है। खैर मेरा दोस्त शाहीन जो है ना यार, ये कन्फर्म जनती वो फिरदौस आपा ने क्या थप्पड़ मारे होंगे जो मेरे इस दोस्त ने मारे हैं कल इंडियन टीम को। जो बॉय ने बॉल करा दी थी पहले शर्मा, उसके बाद उसने बॉल कराई केएल राहुल को, मतलब बीच में से काटा है उसको। खैर अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरी रिएक्शन क्या शो करूं, बहुत सी नीज है तो मैं उन्हीं को देख लेता हूं। अफरीदी ने इनकी पैंट खोली, आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दूसरी तरफ हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा यार, वो भी श्रीलंका जीत गया यार, बड़ी जबरदस्त का मैच हुआ, पता नहीं 170-175 रन चेस कर लिए उन्होंने। इकरार हुसैन भाई भी पहुंच गए बीमार कुर्सी के लिए, बॉस बहुत मुश्किल हो रहा है यहां पर। मैं हरभजन सिंह का नेबर बात कर रहा हूं, उसने सर्फ खा लिया है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कितने आदमी थे, सरकार दो। वैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी क्या जबरदस्त किस्म का शो किया है मेरे कोहली ने, क्या कमाल नाचा, देखो इस तरह होते हैं बंदे। किसी और की जीत में भी इतना सेलिब्रेट करना जो है ना, ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। ये कब का वीडियो है। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की कॉमेडी की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कोशिश करूंगा कि जितने भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं उसके ऊपर इसी किस्म का तबसरा दूंगा, जिसके अंदर क्रिकेट और कॉमेडी को हम मिक्स कर देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप तक ये वीडियो फौरन पहुंचे तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको मतलब अंदर से झंझोड़ देती हैं कि यार ये हो क्या गया, ऐसा क्यों हो गया और किस लिए हो गया। सबसे बड़ी बात मुझे जो खली और बहुत सारी पब्लिक को खली, मेरे साथ के लोगों को भी खली, बार बार यही लग रहा था यार इतने ओवर हो गए, 7 ओवर हो गए 8 ओवर हो गए 10 ओवर हो गए, उसके बावजूद एक विकेट नहीं गिरा है इंडिया से, मतलब पाकिस्तान का विकेट नहीं गिरा पाए हैं। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा खली है कि कम से कम यार लास्ट में जाकर जब एंड होने वाला था तो मैं ये सोच रहा था कि कम से कम एक विकेट तो यार गिरा ही लो। वीडियो में देखकर वाकई में पता चला कि कितना जश्न का माहौल है यार वहाँ पर, लोग साइलेंटली अपनी चीखों को निकाल रहे हैं कैमरा के सामने। मौका का सही में यार सीन चेंज कर दिया मौका का। देखिए मौका यही होता है कि मौका कभी भी पाकिस्तान का या फिर इंडिया का कभी भी हो सकता है। अब पाकिस्तान का मौका हो गया, ये एक इतिहास है, ये एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान ने इस तरीके से 10 के 10 विकेट बचा कर ले गए और मैच जीत लिया, चेस कर लिया। एंड इस वीडियो को देख कर पता चलता है कि पाकिस्तान में किस लेवल का जश्न मनाया जा रहा है, वो पटाखे धूमधाम एंड पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, और ये बनता भी है भाई क्योंकि इंडिया से जीत मिली है। स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त खेली है पाकिस्तान की टीम, वाकई में काबिले तारीफ गेम खेला है उन्होंने। शाहीन ने क्या बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग, बड़े बड़े विकेट्स लिए हैं। एंड बैटिंग में किसी और का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, दो बंदे गेम खेल गए पूरा का पूरा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सारी की सारी टीम को बचा कर ले गए और गेम भी जीत लिया, लेकिन किसी को तो जीतना था और पाकिस्तान जीत गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यस, जश्न मनाते रहें जीत का। मिलते हैं ना इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।